नमस्कार, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हरियाणा के सुल्तान झोटे की मौत। राजस्थान में पशु मेले में 21 करोड़ रुपए की लगी थी कीमत। अपने सुल्तान मूवी वाले सुल्तान पहलवान को तो देखा ही होगा, लेकिन हरियाणा का सुल्तान एक और था। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आज वो एक दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई है। कैथल के बुढ़ाखेड़ा गांव के सुल्तान बुल ने कैथल का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया था। उसके मालिक नरेश का कहना यह है कि सुल्तान जैसा ना कोई था और ना शायद ना कोई होगा। इसी की वजह से आज पूरे उत्तरी हरियाणा में लोग हमें जानते हैं। नरेश ने सुल्तान के बचपन से पाला है, उसको अपने बच्चे की तरह लाड़ दुलार किया, लेकिन आज उसके चले जाने के बाद परिवार में एक कमी सी महसूस हो रही है। खाली खुंदा नरेश को दुखी करता है। हर वक्त इस बस उसकी तस्वीर को निहारते रहते हैं, उसके अवार्ड देखते रहते हैं। पश्चिम मेलों में तहलका मचाने वाले सुल्तान ने नरेश व उसके परिवार को इतना नाम दिलाया कि आज हर कोई उन्हें सुल्तान की वजह से ही जानते हैं। हर एक प्रतियोगिता में सुल्तान ने झंडे गाड़े हैं। यहाँ तक कि हरियाणा की म्यूजिक एल्बम में भी सुल्तान ने अपना रोल अदा किया है। नरेश का कहना यह है कि सुल्तान के चले जाने का दुख इतना ही है कि उसकी याद से दिल से आती ही नहीं। अब कोशिश करने की किसी की परवरिश देकर उसको जैसा बनाए, लेकिन उसकी कमी तो पूरी नहीं होगी। नरेश की आंखों में सामने ही सुल्तान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, जिसका दुख असहनीय है। उनकी मौत पर दुख जताने पशु प्रेमी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सुल्तान ने सीमेंट से लाखों की कमाई होती थी। सुल्तान साल भर में 30,000 सीमेंट की डोज देता था, जो लाखों रुपए में बिकती थी। सुल्तान वर्ष 2013 में हुई राष्ट्रीय पशु सौंदर्य प्रतियोगिता में हजर, करनाल और हिरा हिसार में राष्ट्रीय विजेता भी रह चुकी है। राजस्थान में पुष्कर मेले में एक पशु प्रेमी के सुल्तान की कीमत 21 करोड़ रुपए लगी थी, लेकिन नरेश ने कहा कि सुल्तान उसका बेटा है और बेटे की कोई कीमत नहीं हुआ करती। नरेश व उसके भाई सुल्तान की देखभाल करने अपने बेटे की तरह ही करते हैं।